हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। नहीं लाने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में, मैं बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस की डिज़ाइन का डायग्राम, मतलब किस किस डिज़ाइन में आप उनकी जो ड्रेस है वो बना सकते हैं और उसकी कटिंग किस तरीके से होगी वो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है कुछ बुकरम। बुकरम को हमने इस तरह से चकोर हमने पीस कट किया है 5 इंच, छोटे लड्डू गोपाल के लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ डायग्राम बता रही। दोनों साइड से हमने सेम ही रखना है। जो लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं, जितना बड़ा भी हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको हमने दोनों साइड से ही सेम इंचज़ में नापना होता है। तो देखिए सेम इंच इस साइड में भी और सेम इस साइड। अब हमें क्या करना है, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर बराबर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो पहला डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं 3 डिज़ाइन आपको बताऊँगी एक ही वीडियो में किस तरह से आप कट करें। और ये देखिए इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम एक बार इस तरह से और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए ठीक से आप कोना जो है वो फोल्ड कर लें। थोड़ी सी हैवी हो जाती है बुकरम इस तरह से फोल्ड करने के बाद, बट फिर भी आराम से फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या करना है, पेन या पेंसिल की सहायता से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। किस तरह से मैं बता देती हूँ कैसे मार्क करना है। यहाँ से हम नापेंगे लगभग आधा इंच, हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये जो पूरा नाप है, पहले हम ये पूरा नाप देख लेते हैं हमारा कितना है। पूरा नाप है हमारा 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 इंच हमारा जो टोटल नाप है वो 2.5 इंच है। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। पहले हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये वाला मार्क और ये वाला मार्क हमारा बराबर है। उसके बाद हमें ये आधा इंच हमने कम लगाया है, आधे इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है और आधे इंच पर भी ही हम यहाँ से नापते हुए मार्क करेंगे। जो ये निशान हमने लगाया है इस निशान के ऊपर हम मार्क करेंगे। देखिए इस साइड से मैं बताती हूँ, इधर की साइड देखिए आधा इंच पे हमने मार्क लगाया। अब इस मार्क को हम यहाँ लगाएंगे, ये हमने लगा दिया और एक मार्क हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ बीचों बीच में मार्क करना है। बीचों बीच में हमारा कितना है, 2.5 इंच है। ये देखिए 2.5 इंच है, तो ये रहा हमारा 2.5 इंच ऐसे, ये हमारा 2.5 इंच है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे, हल्का सा सर्कल गोलाई बनाते हुए यूँ, और इस तरह से हम इस गोलाई को यहाँ पर मैच कर देंगे। इस तरह से मैच करना है। अगर आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो आप थोड़ा और मैच कर दीजिए इस तरह से। अब मैच करने के बाद इस मार्क को हम कट कर लेंगे। बहुत आसान है इसको कटिंग करना, आप डायरेक्ट भी अपने अंदाज से भी, जिनको कटिंग करना अच्छे से आता है वो आराम से आसानी से इसको बिना मार्क किए भी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने कट किया। अब जब हम इसे खोलेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपकी जो लड्डू गोपाल है उनकी कमर का साइज़ आप ले लें, जितने भी कमर का साइज़ आपके लड्डू गोपाल का है वो आप ले लें। तो मैंने अभी छोटे लड्डू गोपाल का साइज़ लेकर यहाँ पर कट कर दिया है थोड़ा सा। तो देखिए कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो एक डिज़ाइन आपका ये हो गया फ्लॉबर, और इस पे इसी तरीके से आप इससे कपड़ा रख लें इसके ऊपर, और एक्स्ट्रा कपड़ा आप लें इससे, बुकरम से एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और उसको भी इसी शेप में आप कट कर लें और इसमें आप स्टिचिंग कर लें। तो ये हो गया आपका एक, और यहाँ से आप कट कर लें, ये हो गया हमारा फ्लावर का शेप, हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब हम सेकंड बनाते हैं। तो सेकंड के लिए भी हमने सेम वही करना है जो हमने यहाँ पर किया था। देखिए मैंने पहले से करके रखा हुआ है, इस तरह से हमने फोल्ड किया एक बार, फिर इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड किया। अब हम इसी तरह से दूसरा डायग्राम बनाते हैं। तो दूसरे डायग्राम के लिए देखिए कितना इंच है हमारा, जितने इंच का हमारा ये डायग्राम है उतना नाप लेंगे
यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ लगा रखा है क्योंकि नीचे वाला पार्ट है मेरा थोड़ा सा ऊपर वाला बड़ा है, तो यहाँ पर हमने निशान लगाया। और ये देखिए यहाँ पर हमारा निशान आ रहा है इसके बीच में, 1.25 के बाद, 1.25 के बाद ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे बीच में, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर ये कितना मार्क है हमारा, ये मिडिल में हमने यहाँ पर निशान लगाना है, बिल्कुल बीचों बीच में हम यहाँ पर नाप लेंगे कितना है, ये हमारा 2.5 है, तो यहाँ पर हम नाप लेंगे। ये देखिए बीचों बीच में हमने नाप लिया है। उसके बाद हम यहाँ से सीधा कट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम सीधा कट करेंगे यहाँ तक, इस तरह से। आप चाहें इसको थोड़ा सा और तिरछा कर सकते हैं, अगर इतना करेंगे तो हल्का डिज़ाइन बनेगा, और आपको और भी ज़्यादा गहरा करना है तो यहाँ से आप थोड़ा नीचे की साइड निशान लगाएं, इससे आपका जो कट है वो और गहरा आएगा, और इस तरह से निशान लगा लें, इस तरह से मार्क करके आप कट कर लें, तो आपका और भी ज़्यादा गहरा और अच्छा शेप आएगा। इस तरह से हल्का शेप चाहिए तो ऊपर वाला निशान, अगर गहरा शेप चाहिए तो नीचे वाले निशान। इस तरह से देखिए आप खोलेंगे तो एक डिज़ाइन हमारा ये तैयार हो गया। और यहाँ पर हम अपने कमर का नाप ले लेंगे और यहाँ आप कट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर नाप भी कट करके दिखा देती हूँ जिससे उसका शेप और अच्छा नज़र आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये कट कर लिया और ये हो गया हमारा दूसरा शेप। किसी भी एक लाइन पर आप ये कट लगा लें, तो ये हो गया हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस का दूसरा डिज़ाइन। अब एक डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी तक वैसे मैंने बनाया नहीं है बट उसकी शेप बहुत अच्छी है। तो देखिए इस तरह से हम लेंगे, इस पार्ट को हमने ऐसे फोल्ड करना है। मैं 3 ही डिज़ाइन इसमें बता रही हूँ इस वीडियो में, तो इस पार्ट को हमने ऐसे फोल्ड करना है, बराबर बराबर शेप हमारी आ जानी चाहिए। अगर आपका जो शेप है वो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए जिस तरह से मेरे में एक्स्ट्रा है, ये इस तरह से अगर आपने बराबर लिया है, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था तो मैंने बिना नाप के उसको कट किया था, इसलिए मेरा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस तरह से हम ले लेंगे। अब देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ से हम एक राउंड, हमें यहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से एक राउंड लेंगे इस तरह से, ये लिया हमने एक राउंड। फिर हम थोड़ा सा राउंड यहाँ से लेते हुए और इसको ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए इसमें आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये शेप है ये आराम से आएगा, बहुत ही आसानी से आएगा, इसमें आपको नापने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम कट करेंगे, देखिए कट हो गया हमारा। अब हम इसको यहाँ से जहाँ पर भी आपको इनका जो मेजरमेंट कमर का है वो देना है, वहाँ पर आप इसको कट लगा दें। आप चाहें इसको पहले ही नाप सकते हैं कि आपको कहाँ पर कट लगाना है, वहाँ पर आप इसमें शेप निशान लगा लें। उसके बाद देखिए ये कट हमारा आएगा लड्डू गोपाल के हार्ट शेप का, ड्रेस का हार्ट शेप, और यहाँ से लगा दें आप कट, तो ये हमारे लड्डू गोपाल की हार्ट शेप की जो ड्रेस है वो इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 डायग्राम बनाना सिखाया है, तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस इतने सुंदर सुंदर डायग्राम में डिज़ाइन में बना सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर भी करें, और लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।